वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो क्या हाल है आप लोग के, सब बढ़िया? तो सीन जो आज के सुना कहीं कि भैया आज अनबॉक्सिंग होने वाली है इसकी, जी हाँ रियलमी 6 की। तो आपने टाइटल थंबनेल में देख के शायद ही समझ लिया होगा, नहीं समझा हो तो कोई बात नहीं, अब आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली ये है रियलमी 6। हाँ मान सकते हैं बहुत ज़्यादा पुराना फ़ोन है, आपको लोग कमेंट कर सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा पुराना फ़ोन है आप क्यों अनबॉक्स कर रहे हो, क्योंकि यार इसमें इस प्राइस रेंज में इतनी ज़्यादा कूल फीचर आजकल बहुत कम फ़ोन दे रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि यार इसको अनबॉक्स करना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके कुछ मेन हाईलाइट्स के पीछे जो बॉक्स में दिए हैं उसको अगर ऊपर देखें, सबसे पहली बात कि 90Hz की एकदम डिस्प्ले IPS पैनल है, तो बहुत ज़्यादा कमाल की चलेगी, बहुत स्मूथ चलेगी, क्योंकि आप जानते हो कि 90Hz बहुत ज़्यादा कमाल चलता है। बाकी इसमें इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा, उससे हम लोग को ज़्यादा कोई मतलब नहीं, सेल्फी हम लेते नहीं। और 64MP का क्वाड कैमरा लेंस इसमें दिया अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ, क्योंकि अल्ट्रा वाइड हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, हमको अल्ट्रा वाइड बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं फोटो वोटो खींचने के लिए, काफ़ी अच्छा लगता है हमको। और बाकी इसमें हीलियो का मीडियाटेक का हीलियो G90T प्रोसेसर दिया हुआ है इन्होंने, ये भी काफ़ी अच्छा सा मिड रेंज फ़ोन के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और 30W की फ्लैश चार्जिंग, मतलब बहुत तेज एकदम फास्ट चार्जिंग दी इन्होंने, और 4300mAh की बैटरी दी इन्होंने, वूक चार्जिंग दी है। तो फिलहाल ये है इसका बॉक्स, और चलिए फिर इसको अनबॉक्स करते हैं एक अच्छे सिनेमैटिक शॉट के साथ। हाँ तो गाइस फिलहाल आपने अच्छा सिनेमैटिक शॉट, अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और बाकी चलिए फिर इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इस पन्नी को यहाँ से हटाते हैं, और कि हमारे पास कोई ब्लेड व्लेड फिर नहीं है, ब्लेड व्लेड रखते ही नहीं यहाँ पे बच्चों की वजह से, तो इसको हमको ऐसे ही खोलना पड़ेगा। और ये खुल गया तो इसको खोलते हैं। सलमान भाई ने इसका ऐड किया था तो इसको अनबॉक्सिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था वैसे मेरे लिए, तो ये अपना भाई का फैन। और ये हो गया तो इसको यहाँ से भी इसकी सील वील भी खोलनी है, तो ये फिलहाल इसको भी खोलते हैं। तो हमारे पास पेन है तो हम इससे खोलते हैं, क्योंकि कोई ब्लेड व्लेड तो है नहीं हमारे पास, और ये इससे खुल जाना चाहिए फिलहाल। हाँ बहुत आसानी से खुल गई। और बाकी ये फिलहाल इसका कलर अगर हम आपको बताएं तो ये देखिए, ये आपका यहाँ पे दिखा हुआ कॉमेट वाइट जो इसका कलर है, इसका 6GB रैम और 64GB इंटरनल वाला ये वेरियंट है, क्योंकि हमको ज़्यादा की ज़रूरत थी नहीं। तो इसको अनबॉक्स करते हैं एक बार और देखते हैं कि क्या क्या है बॉक्स कॉन्टेंट। तो ये हटाते हैं, सबसे पहले ये लिखा हुआ है हे वेलकम टू रियलमी फैमिली, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसको किनारे हटाते हैं। ये अंदर फ़ोन रखा है तो फ़ोन को भी निकाल के किनारे करते हैं, क्योंकि हमको इसका फास्ट चार्जर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस पर भी आएंगे। ये फ़ोन भी थोड़ा सा किनारे रख देते हैं, और बाकी बॉक्स कॉन्टेंट देखें तो ये कोई काम का है नहीं। बाकी ये इसका ये देखिए एकदम फास्ट चार्जर, 30W का फास्ट चार्जर है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का चार्जर होता है, बहुत तगड़ा एकदम, मतलब बहुत फास्ट तरह से चार्ज करता है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाकी ये देखें तो इसकी ये USB A टू USB C केबल, तो इसको भी निकालते हैं थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं निकाल के। तो ये देखिए USB A टू USB C केबल, इनकी जो येलो कलर की जो देते हैं रियलमी वाली, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और बाकी इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कागज़ होगा और ये कवर, जी हाँ वही चीज़ है। तो ये कवर इसके साथ एक मिला है बेसिक सिलिकॉन केस है, काफ़ी अच्छा सा, और यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग भी है इसके अंदर, और काफ़ी कुछ इसमें बात बताने वाला है तो नहीं। बाकी सब कागज़ अगर आपको पढ़ने का शौक हो तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने का शौक हो तो कोई बात नहीं। हाँ तो भाई फिलहाल ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं आपकी, और ये अनबॉक्सिंग हो गई है, तो आप इसको किनारे हटा दें थोड़ा सा ये सारी चीज़ें, और अब ये चार्जर भी यहाँ से हटा देते हैं। मेन आते हैं अपने फ़ोन के ऊपर, तो फ़ोन ये कुछ इस तरह का है, तो फ़ोन को पहले निकालते हैं पन्नी से, और फ़ोन को बाहर निकाल के और भी देते हैं। गजब तरीके का फ़ोन लग रहा है, आप देख रहे हो एकदम, मतलब एकदम शानदार तरीके का इसका कलर लग रहा है, एक बार में इसका कलर पसंद आ गया। ये जो इन्होंने कोई पैटर्न तरीके का दिया है जो बन रहा है लाइट से, जैसे जैसे हम लाइट घुमा रहे हैं, तो ये देखिए ये मतलब बहुत शानदार तरीके का लग रहा है। और आगे अगर देखें तो आगे ये देखिए यहाँ पर आपको पंच होल कैमरा दिख रहा होगा, और हो सकता है इसके अंदर थोड़ी सी बैटरी हो, तो बैटरी देखते हैं। बाकी ये देखिए इसके अंदर बेसिक ओवरव्यू अगर फ़ोन का देखें तो ये आपका फ़ोन जो है, तो इसके अंदर ये मतलब पावर भी की में ही आपको सेंसर दे दिया गया, फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया, क्योंकि ये IPS डिस्प्ले है, तो IPS जिसमें आर पार आप देख नहीं सकते हो, इसलिए आप इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर मतलब इन डिस्प्ले नहीं लगा सकते हो। वैसे आपको Realme XT में और Realme X में इसके अंदर मिल जाएगा इन डिस्प्ले। तो हाँ बैटरी तो है फिलहाल, बैटरी रहती है ज़्यादातर। और ये इसका सिमेट्री है, और बाकी ये वॉल्यूम रॉकर है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखें अगर नीचे देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपना बेसिक, आपको हेडफोन जैक मिल जाएगा, ये आपका माइक है, प्राइमरी माइक है,
और ये आपका जो है तो ये चार्जिंग पोर्ट हो गया, ये आपका स्पीकर हो गया, और ऊपर देखें तो ऊपर एकदम क्लियर है, और इधर खाली सिम ट्रे तो उसको देखते हैं। तो चलिए एक बार हम इसको सेटअप करते हैं और उसके बाद मिलते हैं अच्छे सिनेमेटिक शॉट के साथ। हाँ तो गाइस सारे के सारे सिनेमेटिक शॉट हो गया और अपना मोबाइल हमने पूरा का पूरा सेटअप कर लिया है। तो ये देखिए मतलब हमने इस पर अपना जो लॉन्चर नोवा लॉन्चर का जो सेटअप है वो हमने पूरा का पूरा लगा दिया है, तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। आपको आइकन भी नए तरह के दिख रहे होंगे, तो अगर ये वाला सेटअप आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, डेडिकेटेड वीडियो, छोटी सी रहती है लगभग 2-3 मिनट की, तो आप उसको देख लीजिएगा अगर आपका मन चाहेगा तो। बाकी हमने पूरा मोबाइल सेटअप कर लिया, बस सिर्फ ये वाला जो रैपर है आपका ये निकालना बचा है, तो हम इसको भी पीछे जो स्टिकर लगा रहता है तो हम इसको निकाले दे रहे हैं, और ये तो फिलहाल ये भी निकल गया, तो अब फ़ोन ज़्यादा क्लियर दिख रहा है आपको। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा हमको यार ये फ़ोन, कहीं से इसमें हमको कोई ख़राबी नहीं लगी चलाने में। एक दिन हमने इसको चलाया, उसके बाद ही हमने इसको मतलब पूरा सेटअप किया। कल हमने इसको मतलब पूरा सेटअप कर लिया था, लेकिन हमने इसको एक दिन यूज़ किया और देखा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कैसी हैं, तो हम उसके बारे में आपको फुल डिटेल दे सकें, इसीलिए हमने इसलिए इसको पूरी तरह से एकदम अच्छी तरह से छान मारा है पूरी तरह से इस फ़ोन को। तो मसले कुछ इस तरह के कि हाँ यार एक मिड रेंज फ़ोन है, तो मतलब एक हिसाब से काफ़ी अच्छे इसके अंदर कुछ फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जैसे आपका इसका अगर फिंगरप्रिंट लॉक की हम बात करें, जो इसके अंदर साइड माउंटेड यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर, ये आप देख रहे हो यहाँ पे इसमें साइड माउंटेड दिया है, तो ये जो है तो ये इसका फेस अनलॉक जो है तो बहुत तेज़ है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट वाला जो है तो ये देखिए बहुत धीमा है। जैसे ये आपका है तो ये देखिए, आप जब इसको देखेंगे तो ये देखिए ये मतलब ये खुलने में थोड़ा सा ना, जैसे इस वाले से खुलने में ये देखिए आपको देखें तो ये देखिए टाइम ले रहा है, लेकिन अगर इसके फेस लॉक की जगह पर हम बात करें तो देखिए कितनी जल्दी खुल जाएगा। ये देखिए फेस अनलॉक जो है इसका तो ये बहुत जल्दी खुल जाता है, मतलब ये अगर हम इस वाली से खोलें तो ये देखिए फेस अनलॉक जो इसका बहुत तेज़ खुल जाता है, लेकिन जो इसका फिंगरप्रिंट लॉक है वो हल्का सा मतलब हमको थोड़ा सा स्लो लगा। अब आपको स्लो अगर कोई बंदा यूज़ करता है तो अगर आप उसको स्लो लगता है तो आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बाकी जो इसके अंदर जैसे आपकी इसकी कैमरा क्वालिटी देखें तो बैक वाला जो इसका कैमरा है उससे तो काफ़ी अच्छी अच्छी फोटोज़ आई हैं, लेकिन जो फ्रंट वाला इसका कैमरा है उसमें कुछ इतना ज़्यादा खास इन्होंने नहीं करा है। तो बैक वाले कुछ कैमरे की हम आपको कुछ फ़ोटोज़ अपना मतलब आपकी स्क्रीन पर लगा देने, आप देख सकते हो उसको। बाकी अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में इतनी ज़्यादा कुछ खास तरह की मतलब एक कोई बहुत अच्छी तरह से फोटो नहीं आती। हम एक फोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको अभी लाइव फोटो दिखाते हैं। तो ये अभी की इसकी लाइव फ़ोटो है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो कुछ बहुत ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, बहुत कोई फाइन डिटेल नहीं है इसके अंदर। और लेकिन हाँ ये है कि इस रेंज में आप क्या ले सकते हो, इतनी तो डिटेल्स ही हैं कि अपना ये देखिए आपके बाल वाल जो है मतलब अच्छी तरह से दिख जाएंगे और चेहरा जो है तो बहुत ज़्यादा। और बाकी भी है इसके अंदर तो आपका फ़िल्टर जो होता है ये ब्यूटी वाला, तो उसमें तो आपको गोरा चिट्टा सब कुछ बना ही देगा वो, मतलब काफ़ी अच्छा तरह का माहौल ये है इसके अंदर। और ये बाकी इसका जो रियर कैमरा है उसकी तो फोटोज़ आपने अपनी स्क्रीन पर देख ही ली होगी, तो वो भी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आती हैं। और बाकी अगर बात करें इसकी स्पीड के बारे में, तो स्पीड जो है 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है, तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब स्मूथ चल रही है। और सबसे अच्छी बात यह कि 30 वॉट का चार्जर है, झट से चार्ज आती है, और इसकी बैटरी लाइफ पूरी एक दिन की हमको लगी, क्योंकि हम इसी वजह अब इस वक्त पे इसको प्राइमरी फ़ोन अपना आज यूज़ कर रहे थे हम, जिससे पूरी तरह से एकदम निचोड़ लें इस चीज़ को, तो इसीलिए हमने ये लिया कि यार ये फ़ोन पहली बात तो लुक वाइज हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप जब देखोगे इसको पीछे से तो इसका ये जो है ये हमको सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये मतलब एक अलग तरह का जो इन्होंने टेक्स्चर दिया, अब इसको क्या नाम दें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जो है इनका ये वाइट जो है इनका तो काफ़ी ज़बरदस्त तरह का कलर है। देखिए जो ये एक शेप बन के आते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, तो अगर आप इसको बिना कवर के रखें तो मेरा कहना वही है अभी। और इस पर अभी तक कि ये कंपनी वाला गार्ड लगा हुआ है, क्योंकि मेरे पास वक्त था नहीं कि हम गार्ड लगवाएं, तो इसके ऊपर वही जो कंपनी से गार्ड लग के आता है पतला सा, तो वही लगा हुआ है फिलहाल अभी। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हल्का सा। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी अच्छी हैं, और कुछ चीज़ें हमने इसके अंदर ट्राई करके देखी तो वो काफ़ी अच्छी चली, मतलब ऐसा नहीं कि दिक्कत कर दिया उसने और लैग करने लगा या फ़ोन, या फिर हमने इसमें काइन मास्टर में थोड़ी सी एडिटिंग भी करके देखी तो वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। और मतलब जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है इसकी, मतलब ये स्वाइप ऑफ गेन और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, तो मतलब काफ़ी एकदम अच्छी तरह से मतलब काफ़ी अच्छा फ़ोन रियलमी वालों ने बनाया है। और आपको
ये तो पता ही है कि रियलमी वाले कितना अच्छा फ़ोन बनाते हैं ये भी। और इसकी जो डिस्प्ले है भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, देखिए इस वक्त में इसमें इसको ब्राइट करें इतना ज़्यादा, तो ये इतनी ज़्यादा आपको दिख रही है यहाँ पे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा लो करते हैं तो आपको दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा इसे इतना ज़्यादा लो, तो काफ़ी ज़्यादा लो और ब्राइट, मतलब काफ़ी अच्छी तरह की एक अच्छी बहुत अच्छी तरह से ये डिस्प्ले इन्होंने दी है रियलमी वालों ने। इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी डिस्प्ले देना है तो भैया बहुत ज़बरदस्त है। और हाँ ये है कि ये 90 हर्ट्ज़ की IPS पैनल है, तो इसलिए भाई इन्होंने मतलब फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दे पाए, क्योंकि IPS पैनल में क्या होता है वो आर पार आप नहीं देख सकते उस डिस्प्ले के, इसलिए फिंगरप्रिंट स्कैनर इन्होंने इन डिस्प्ले नहीं दिया, लेकिन तब भी उससे कोई मसला नहीं। लेकिन ये अगर हम रियलमी XT से या किसी और फ़ोन से अगर कंपेयर करें आपका, तो मतलब काफ़ी अच्छा एक मतलब काफ़ी अच्छा इस रेंज के हिसाब से नया फ़ोन निकल के आता है। और बाकी सारी चीज़ें हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, और ये देखिए ऐप बहुत तेज़ इसमें खुलते हैं, और जिसमें मतलब जितनी भी चीज़ें हैं तो सारी सारी चीज़ें बहुत अच्छी सी हैं। ये देखिए सारे सारे ऐप बहुत जल्दी जल्दी खुलते हैं। तो अपने रेंज के हिसाब से, अपने प्राइस रेंज के हिसाब से ये फ़ोन तुमको एक नंबर का लगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। तो अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो आप ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक अपना डाल दिया। बाकी अगर आप कोई लोकल मार्केट से ले लेते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सके। और बाकी एक और बात ये कि अगर आपको ये स्किन पसंद आ रही हो जो हमने अपने वन प्लस वाले पॉड पर लगाया है, वन प्लस वाले एयरपॉड पर लगाया है ये जो इनका वायरलेस वाला एयरबड है, तो अगर ये आपको स्किन पसंद आ रही है तो ये एक नीचे हमने एक लिंक आपका डाला है इंस्टाग्राम का, कोजी स्किन्स करके वो नाम है, वो बंदा बहुत जान पहचान का है मेरा और काफ़ी अच्छी स्किन्स देता है बहुत ही मस्त तरह की। तो मेरे जितने फ़ोन पे जितनी स्किन्स रहती हैं, जैसे वन प्लस पर जो स्किन्स थी या फिर जो मेरे आईफोन पे स्किन रहती हैं, सारी की सारी इसी बंदे से आती हैं। तो अगर आपको स्किन लेना होगा तो आप ले लेगा, कुछ दिन के बाद हो सकता है अगली वीडियो में आपको इसके ऊपर भी स्किन दिखे, और हो सकता है कि इस वाले फ़ोन पर भी स्किन दिखे, क्योंकि हमने अपना फ़ोन दोनों चेंज किए हैं, तो हो सकता है अपने दोनों फ़ोन पर आपको स्किन दिखे। तो अगर आपको स्किन्स लेनी होगी तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पेज जो है इंस्टाग्राम पर उसको हम लिंक कर देंगे, आप जाके ले सकते हो। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो अगर आपको इसके अंदर और कोई इन डेप्थ डिटेल चाहिए तो हमको आप बता दीजिएगा। और इसके स्पीकर जो है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब आपके एकदम मतलब काफ़ी लाउड हैं, तो हम आपको एक बार स्पीकर भी इसके आपको हम सुना के दिखाई दे रहे हैं कि सुना दे रहे हैं आपको, तो काफ़ी लाउड हैं इसके स्पीकर, वैसे हमको काफ़ी अच्छे लगे इसके स्पीकर। तो ये देखिए, और ये स्टूडियो स्पीकर नहीं है, तब भी ये सिंगल ही स्पीकर, लेकिन तब भी बहुत एकदम मतलब बहुत बहुत ज़्यादा लाउड है एकदम ये, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमको ये चीज़ इसके अंदर की कि इसके स्पीकर भी बहुत अच्छे लाउड दिए इन्होंने। ये नहीं कि कुछ फ़ोन्स होते हैं मिड रेंज की बहुत ज़्यादा लो एकदम स्पीकर दे देते हैं, मतलब उसमें आवाज़ आवाज़ साफ आती आती नहीं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक नंबर की ज़बरदस्त तरह की आवाज़ आ रही है इसमें अंदर। बाकी और कुछ हमको इसमें इस तरह का कुछ खास बताने वाला लगता है नहीं। बाकी अगर आप कोई और डिटेल चाहिए तो आप उसके ऊपर बता दीजिएगा, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे पूरी की पूरी। और इसको हम यूज़ करने के बाद इसका जो 10 या 15 दिन के बाद, जैसे हमने अपनी ओप्पो वॉच का बनाया था, वो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया कर रहे हैं हम। तो अगर उस तरह का कुछ आपको चाहिए तो वो भी हम 10-15 दिन में इसका बनाएंगे, वो भी आप देख लीजिएगा कि इसके अंदर क्या खामियां और हैं या क्या किस तरह से। अब एक दिन में 2 दिन में तो फ़ोन अच्छी तरह से चेक होता नहीं है, तो इसीलिए हमने सोचा, और वीडियो डिले ना हो इसलिए हमने सोचा कि ठीक है फिर दूसरी वीडियो बना देंगे। और इसके अंदर अभी तो फिलहाल पबजी बैन हो गया है, तो हम कॉल ऑफ ड्यूटी अगली बार जब अभी इसका मतलब जो 10-15 दिन के बाद रिव्यू बनाएंगे, उसके अंदर आपको खेल के दिखाएंगे क्या हीटिंग प्रॉब्लम है या किस सेटिंग पे आप इसको खेल सकते हो, मतलब आजकल के जितने भी गेम हैं वो किस सेटिंग पे आप खेल सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी कोई ज़्यादा इतनी लंबी वीडियो नहीं खींचते हैं। और चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।